जय हिंद साथियों, माइंडफुल एकेडमी में आपका स्वागत है। तो सबसे पहले दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। तो मैं आज बताने जा रहा हूं 10 लाख नई वैकेंसी के बारे में, आखिर क्या गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट किया है। और केवल अनाउंसमेंट नहीं, ये धनतेरस के दिन आपको एक जबरदस्त उपहार भी देने जा रहे हैं और लगभग 75,000 युवाओं को कॉल लेटर नहीं बल्कि ज्वाइनिंग लेटर दिया जाएगा। तो ये अब हो जाइए तैयार, क्योंकि 10 लाख वैकेंसी कोई बहुत बड़ी पंचवर्षीय योजना में पूरा नहीं करना है, ये मात्र 1.5 साल के अंदर, मतलब इनका डेडलाइन जो है दिसंबर 2023 तक। तो ये मान के चलिए दिसंबर 2023 तक अगर ये पूरी तरह से रूपरेखा तैयार कर लेते हैं तो सोचिए कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी युवाओं के हाथ में है। तो चलिए मैं आपको पूरा डिटेल में आज मैं बता दूं कि सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले किस किस विभाग को ये सबसे बड़ी, बोलते हैं ना जॉब मेला, इसको हम बोल सकते हैं महारोजगार मेला, ये मेला ही तो है। क्योंकि सरकारी नौकरी पाना आम लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ा एक संघर्ष बन चुका है, लेकिन इसी संघर्ष में जान फूंकने के लिए अब तैयार हो जाइए। तो 23,584 वैकेंसी यूपीएससी और एसएससी, जिसमें लगभग ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी। तो मैं आपको बता दूं, ग्रुप ए, बी, सी, ये सारे हमारे क्या होते हैं, ये ग्रेजुएटेड ऑफिसर होते हैं, मतलब जिनके ऊपर बोलते हैं ना साइन करने का और पूरा डिसीजन मेकिंग पावर जिसको हम बोलते हैं। और 26,282 जो है ग्रुप बी ऑफिसर, और 8,36,000 वैकेंसी नॉन टेक, या बोल सकते हैं नॉन ग्रेजुएटेड ऑफिसर। तो रेलवे के पास लगभग 2,91,000 वैकेंसी है। तो ये सारे वैकेंसी अलग अलग विभागों में हैं, जिसमें आपके पास रक्षा मंत्रालय, अगर विभागों की अगर हम बात करें तो टोटल 38 विभाग इसके अंदर रखा गया, जिसमें मतलब कि रक्षा मंत्रालय हो तो रक्षा मंत्रालय की अगर हम बात करें लगभग 39,366 वैकेंसी केवल इसी में, और ग्रुप सी में अगर देखा जाए तो 2,14,000 केवल रक्षा में, और नॉन टेक गृह मंत्रालय में अगर देखा जाए तो 1,31,000 वैकेंसी है। तो मैं आपको पूरा एक एक चीज पूरा डिटेल में बताता हूं कि एक्चुअल में गवर्नमेंट अब क्या करना चाहती है। अब आपने बहुत कम सुना होगा कि सरकारी नौकरी के लिए एक मेला लगाया जा रहा है, तो ये मान के चलिए रोजगार मेला ये लगाया जा रहा है। तो ये वाकई में बहुत ही जबरदस्त, आपके साथ ये जबरदस्त बोला जाए तो बहुत ही शानदार स्टेप है गवर्नमेंट के द्वारा। मैं कुछ डेटा बता दूं कि एक्चुअल में कितने सेक्टर इसके अंदर रखा गया है, और इसमें मेन पर्पस गवर्नमेंट का ये है कि आखिर बेरोजगारी दर इतने फुल स्विंग में क्यों बढ़ती जा रही है। तो बेरोजगारी दर को कम करना, और साथ साथ ये सबसे बड़ा आवाज बन चुका है, कितने बार लोगों ने, मतलब स्टूडेंट ने सड़कों पे अपना आंदोलन किया है, और उन्हीं का मेहनत है कि आज ये परिणाम आपके सामने दिख रहा है। तो मैं आपको बता दूं देश भर में आखिर क्यों बढ़ रही है बेरोजगारी, तो सबसे बड़ा इनका मेन पर्पस है, जिसमें आपके पास कंस्ट्रक्शन, टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी, ये कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा इफेक्ट किया, लेकिन गवर्नमेंट के 38 विभागों का ये पूरा लेखा जोखा जून जुलाई में ही तैयार कर लिया गया था 2022 में, और इन्होंने पहले ही अल्टीमेटम दे दिया है कि 2023 तक हमें 10 लाख लोगों को जॉब देने हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ये सारी रिपोर्ट मैं आपको एक एक करके बताऊंगा कि और क्या क्या इनके बारे में और क्या क्या चीजें हमको देखना है। तो रोजगार की अगर हम बात करें, तो बेरोजगारी दर की अगर हम बात करें तो हमारे देश में बेरोजगारी दर को अगर देखो तो आपको पूरा दिख रहा होगा कि अगर मैं यहां पर देखें तो ये हमारे पास बेरोजगारी का दर जो था जनवरी में हमारा 6.57%, और यही बढ़ के फरवरी में 8.10% हो गया था। ये 2022 का पूरा डेटा है, कोरोना का तीसरी लहर चल रहा था, और फिर मार्च में ये डाउन होके कितना आया 7.60%, और वापस से अप्रैल में 7.83%, ये बेरोजगारी का दर है। तो अब जो है बेरोजगारी दर में इनको घटाना है और इनको पूरी तरीके से नीचे तक लेके जाना, ताकि हर युवाओं को नौकरी मिल सके। और इसी के साथ भारत सरकार ने गवर्नमेंट जॉब के लिए एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट किया है, जिसमें अगर देखा जाए तो मैं आपको एक एक चीज बता दूं कि अभी 2021 में एक सर्वे के अनुसार बोला गया कि भारत की अगर हम बेरोजगारी दर को देखें तो आपके पास पूरा डेटा है, आप देख सकते हैं कि 2017 में हमारी बेरोजगारी दर क्या थी, 2018 में मात्र 5% हमारी
हमारी बेरोजगार थी। और 2021 आते आते कोरोना काल में आप देखो लगभग 23.52% लोग बेरोजगार हो गए थे। अब फिर जाके CMIE रिपोर्ट के अनुसार ये दिया गया कि बेरोजगारी दर में 2022 में बहुत जबरदस्त डाउनफॉल आया है, जिसमें नौकरी नई नई नौकरियां भर्तियां अगर प्राइवेट सेक्टर की हम बात करें तो करोड़ों नौकरियां जो है लोगों को आज अवसर दिए जा रहे हैं जॉब के लिए। तो ये 22 अक्टूबर सबसे पहली बात है कि 22 अक्टूबर मोदी जी के द्वारा सबसे बड़ा रोजगार मेला है और यही 22 अक्टूबर को इनके द्वारा जो है दिया जाएगा ज्वाइनिंग लेटर। तो भाई साहब ये देखो कितनी बड़ी सपने होते हैं कि ज्वाइनिंग लेटर की अगर हम बात करें तो एक हर व्यक्ति का एक सपना होता है कि उसको ज्वाइनिंग लेटर मिले और प्रधानमंत्री जी वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के थ्रू लगभग 75,000 लोगों का इन्होंने जो क्या देंगे ज्वाइनिंग लेटर देंगे और इसका उद्घाटन किया जाएगा कल यानी 22 अक्टूबर को इसका उद्घाटन किया जाएगा। और इन्होंने पहले ही बोल दिया कि सिलेक्शन प्रक्रिया बिल्कुल क्या होगी आसान होगी। तो बहुत ज़्यादा सिलेक्शन प्रक्रिया बिल्कुल नहीं होगी, 10 लाख नौकरियाँ इनका टारगेट है दी जाएगी 2023 आखिरी तक। मैं पूरा डिटेल में बात करूंगा और लगभग 75,000 लोगों का रिक्रूटमेंट पत्र इनको दिया जाएगा और इसी के साथ ये मंत्रालय विभागों को पद भरने का भी निर्देश दे दिया गया है और बहुत जल्द ये पद भी भरे जाएंगे, ठीक है। और मैं आपको ये सारी चीजें क्यों बता दिया, क्योंकि ये जो इन्होंने वादा किया है 10 लाख नौकरियों का, इनको हर हाल में ये वादा पूरा करना जरूरी है। तो ये मान के चलिए आपके लिए इन्होंने बोला कि सितंबर में देश की बेरोजगारी दर 4 साल से एकदम लो लेवल पर आ चुकी है, मतलब ये वाकई में जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हुआ है बहुत जबरदस्त हुआ है। और CMIE एक रिपोर्ट है जिनके अनुसार बोला गया है कि अगर देखा जाए आंकड़ों के मुताबिक तो अभी बेरोजगारी दर घटकर कितनी हो गई 6.4% हो गई। अगर गवर्नमेंट इसी तरह से अगर स्टेप लेती जाती है तो लगभग बोला जाता है कि सितंबर मंथ में लगभग 1 करोड़ नई नौकरियां पैदा हुई है, जिसमें प्राइवेट सेक्टर का एक सबसे बड़ा अहम रोल प्ले करता है। लेकिन मैं बात कर रहा हूं गवर्नमेंट जॉब का, जो सभी लोग हमारे कैंडिडेट तैयार कर रहे हैं। तो बिल्कुल आप लोग आंख मूंद के क्या तैयार हो जाइए, किसी से पूछिए मत कि क्या तैयार करना। अरे आप एक बार पूरे सब्जेक्ट पे कमांड करिए, माइंड फॉर एकेडमी आपके साथ है और रात दिन जितना आप मेहनत करेंगे उतना हम भी आपके साथ मिलकर मेहनत करेंगे। तो बिल्कुल आप लोग तैयार हो जाइए। और 1 करोड़ जॉब जब इन्होंने यहां तक दिया है तो हम लोग ऑलरेडी दिवाली का महाधमाका ऑफर चला रहे हैं, तो बिल्कुल हमारे माइंड फॉर एकेडमी का ऐप को डाउनलोड करिए और आज रात 12 बजे से 199 में मात्र सभी कोर्स आपको फ्लैट दिए जाएंगे। तो फिर देर किस बात की, बिल्कुल आप 199 में हमारा पटवारी का अगर देखा जाए तो विजेता 1.0, पटवारी का 2.0, एसएससी फाउंडेशन, क्योंकि एसएससी में भी बल्क में वैकेंसी है, और हिंदी फाउंडेशन हो, एमपीएसआई हो, रीजनिंग हो, बैंकिंग फाउंडेशन हो, किसी भी सेक्टर के लिए आप बिल्कुल तैयार हो जाइए और हम आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगे। जो 22 से लेकर 26 अक्टूबर तक ये जबरदस्त ऑफर है, बिल्कुल आप इसका आनंद लीजिए और गारंटी है कि हम आपके साथ मिलकर कदम से कदम लेके हम चलेंगे और जितना हो सकेगा हम उतना बिल्कुल दिल खोल के तैयारी करेंगे, ठीक है। तो इसी तरह ढेर सारी शुभकामनाएं, वंस अगेन हैप्पी दिवाली, और इसी तरह माइंड फॉर एकेडमी के साथ आप जुड़े रहिए, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट अच्छे वीडियो के साथ और तैयार रहिएगा। ढेर सारी शुभकामनाएं दीपाली को, जय हिंद।